देखिए 300 चुन के आए तो 300 मिनट लेंगे, आप 4 चुन के आए तो 4 मिनट लेंगे। मैं महाराष्ट्र से एक इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही मिनट मिलेगा? तो हाँ, आदरणीय एमपी साहब, हम सब यहाँ पर सरकार के सामने अपने अपने स्टेट की, राज्य की, देश के प्रॉब्लम, समस्या को लेकर यहाँ पर बात करने आए हैं। तो मैं आपके सामने एक चीज लाना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए यूपी में 14 लाख का टारगेट दिया गया है। टारगेट देकर 3 वर्षों में 14 लाख टारगेट उन्होंने पूरा करना चाहिए। एमपी में 22 लाख टारगेट दिया है जो पूरा करना है। और महाराष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं, जितने भी एमपीज यहाँ पर महाराष्ट्र के बैठे हैं, तो उन्हें सिर्फ 7 लाख का ही टारगेट दिया गया है। तो मेरी आपसे मैडम विनंती है, रिक्वेस्ट है कि हमारे महाराष्ट्र को इंडिया का सेकेंड स्टेट लार्जेस्ट बिगेस्ट राज्य है, तो उसके लिए जैसे यूपी को 14 लाख और एमपी को 22 लाख दिया है, तो हमारे महाराष्ट्र को भी 22 से 25 लाख घर कुल की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आना चाहिए और मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है मेरा, महाराष्ट्र में जो निराधार श्रावण बाल योजना है, जो केंद्र 200 रुपए अपनी सहायता देती है और हमारी राज्य सरकार 400 रुपया देती है। आप एक माँ है जिसका बेटा बोल नहीं सकता, जिसका बच्चा सुन नहीं सकता, जो व्यक्ति निराधार है, जो व्यक्ति बुजुर्ग के 65 इयर्स पूरा करता है, उस व्यक्ति को हमारी सरकार केंद्र से 200 रुपया देती है और राज्य की सरकार 400 रुपया देती है। अगर 600 रुपए में अगर वो महीने का गुजारा कर सका तो हम लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अगर चाय की भी हमने दिन की अगर काउंटिंग की 20 रुपए की, तो 20 रुपया दिन में आता है, जो चाय भी आज किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। तो मेरी अध्यक्ष मैडम आपसे एक विनंती है, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, निराधार हैं, डम हैं, डेफ हैं, विडोस हैं, विधवा हैं, इन लोगों को महीने की केंद्र से, हमारी सरकार से, अपनी सरकार से, ये प्रधानमंत्री कोई एक पक्ष का नहीं, सभी पक्ष के प्रधानमंत्री साहब हैं और हमारे लिए सभी के लिए हर मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि महीने के 200 रुपए मदद ना देते हुए जितने भी निराधार श्रावण बाल में आते हैं लोग, उन्हें महीने का 2000 रुपए मिले, इतनी विनती मैं आप लोगों से करती हूँ। और सभी सीनियर सांसदों को यही विनती करूंगी, हम सब यंग लोग हैं, हम सब युवा पहली बार चुन के आए हैं, तो आप लोगों का रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा है और आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स और एक्सपीरियंस हमारे साथ रखेंगे, जिससे हम अपने क्षेत्र का और राज्य का विकास कर सकें, इतनी ही अपेक्षा आप लोगों से करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।